हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आशु टॉक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। गवर्नमेंट ने जो इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन में चेंजेस हुए, तो चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। पहली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो वेनसडे को लॉन्च हुई है ऑन जुलाई 29। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। पहले एजुकेशन पॉलिसी ये है, मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज़ इन स्कूल लेवल। हम जैसे स्कूल लेवल पे होते हैं तो हमें हमेशा एकेडमिक्स पर ही ध्यान होता है, हम वोकेशनल की तरफ ध्यान नहीं देते। हमें लगता है अगर हम वोकेशनल पर ध्यान दें तो हमारे एकेडमिक्स के ग्रेड्स कहीं कम ना हो जाए, इसलिए हम पूरा फोकस एकेडमिक्स पर ही रखते हैं। लेकिन ये रूल के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग कंपलसरी करवाई जाएंगी, वोकेशनल स्टडीज़ कंपलसरी करवाई जाएंगी ताकि वोकेशनल पर भी ध्यान दिया जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग आ जाती है जैसे पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री एंड मच मोर। सेकेंड आ जाता है डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जैसे एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स होते रहते तो नेक्स्ट टाइम से इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो ई लर्निंग ऑलरेडी हमारा चालू रहे, हम घर से भी पढ़ सके और अपना काम कर सके। अल्टरनेटिव वेज, जैसे ट्रेडिशनल वेज कैसा था हमारा, हम रोज़ स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और पढ़ते थे, लेकिन ये टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे चीज़ों के लिए ई लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। थर्ड आ जाता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC ST OBC स्टूडेंट टू बी एक्सपांडेड। ये जो नेशनल पोर्टल्स थे ये काफ़ी कम होते थे और वो मतलब वेबसाइट जो होती थी वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती थी, बहुत बार काफ़ी हैंग इशू हो जाते थे या बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती थी, तो इस पर भी काफ़ी अच्छा फोकस किया जाएगा अब से। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग। हाँ तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाता है। जैसे कि हमारे पहले ग्रेजुएशन के बैचलर डिग्रीज थे, जैसे BA हो जाता है, BSc हो जाता है, BCom हो जाता है, ये जो वेरियस डिग्रीज थे ये सिर्फ 3 ईयर्स के होते थे, सिर्फ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वगैरह ही 4 to 5 ईयर्स के होते थे, मेडिकल भी आ जाता है इसमें। लेकिन इस बार से जो भी मिनिमम जो होगा वो 4 ईयर का होगा, चाहे वो BSc हो या BA हो, समथिंग जो भी हो वो 4 ईयर का हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन सेक्टर अपगेट 6% ऑफ GDP, अर्लियर इट वॉज 1.7। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। पहले जो एक्सपेंसेस होते थे GDP जो होती थी हमारे एजुकेशन पर, वो सिर्फ 1.7% ही होती थी, तो उसे बढ़ाकर अभी 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है बैगलेस डेज इनकरेज। पहले जैसे हमें जैसे कि पता है, हमें बहुत सारा बैग लेके जाना पड़ता था, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा स्टडी प्रेशर होता था, उससे हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे और काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती थी हमारी। लेकिन अभी बैगलेस डेज इनकरेज किए गए हैं ये पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट। ये न्यू है, आप अपने मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बेसिकली जो इंडिया की 3 लैंग्वेज है वो कंपलसरी है, जैसे पहले हिंदी हो गई एंड आपकी जो रीजनल लैंग्वेज 2 है वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम फॉर स्टूडेंट। ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आती है। पहले कैसा होता था, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन हो जाता। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल रिलेटेड ही हम पढ़ते थे, और आर्ट्स के एजुकेशन आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो वोकेशनल चीज़ों में थे, जैसे गिटार, मतलब आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ में। लेकिन अभी कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, सब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको वोकेशनल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हो, और आर्ट्स के स्टूडेंट को भी साइंस पढ़ने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट लर्निंग इन ऑल स्टेजेस। पहले हम कैसा था, रेटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इस बार अब से होने वाला है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान देंगे ज़्यादा, और ये चीज़ स्पोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आर्ट्स इंटीग्रिटी, स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी, ये सब इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट विल फोकस ऑन आइडिया अप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बार से, थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने पर बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा आगे से। टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स। अभी तक जो TV चैनल्स है, TV चैनल्स पर भी हमें एजुकेशनल कंटेंट दिखाया जाएगा, वेरियस एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रेजेंट किए जाएंगे हमारे सामने जहाँ पे हम ई लर्निंग कर सके अच्छे से, आपको ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम एनुअल सेमेस्टर। पहले कैसा होता था, हम सब एंड सेम पे ध्यान देते थे, एंड सेम ही हमारा फाइनल सेम होता था, हमारी पूरी जो चिंता लगी थी वो एंड सेम पे ही लगी रहती थी क्योंकि एंड सेम पर ही रिजल्ट बनता था। लेकिन अब से वो नहीं है, पूरा एंटायर कोर्स पर हमें ध्यान दिया जाएगा, एंटायर
सेशन में हमारा कैसा परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमारा रिजल्ट निकलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि अगर एंड सेम के टाइम पे हमने पढ़ाई पूरी की है और हमें फीवर आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस टाइम पे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, हम अपनी एबिलिटीज शो नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी पूरा ईयरली हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है NTA टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ जाती है, जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हमारा ईयरली 1 से 2 टाइम ईयरली हमारा टेस्ट किया जाएगा। एप्टीट्यूड ये काफ़ी यूज़फुल होता है दोस्तों, एप्टीट्यूड हमें जॉब के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, हर चीज़ में एप्टीट्यूड यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटायर करिकुलर पे ध्यान दिया जाएगा, पूरे साल पर हमारा परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर हमारा रिजल्ट निकलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम टू बी रिड्यूस, एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। जैसे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम था तो बोर्ड एग्ज़ाम पर बहुत प्रेशर होता था, ट्वेल्थ की बोर्ड एग्ज़ाम हो गई, टेंथ की बोर्ड एग्ज़ाम हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था, लेकिन अब से वैसा नहीं होगा। हर एग्ज़ाम को सेम इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, सिर्फ टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, सभी जो एग्ज़ाम होते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम भी होंगे, उसको सेम इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, ये मेरा फेवरेट पॉइंट ये मुझे सबसे फेवरेट पॉइंट लगा। 6 क्लास ऑनवर्ड से ही आपको कोडिंग सिखा दी जाएंगी। कोडिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है सीखना, उससे हमारी एबिलिटी बहुत बढ़ती है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग सीखना हमारे लिए। तो अब से हमें स्कूल में ही 6 स्टैंडर्ड के बाद कोडिंग सिखा दी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। ये भी बहुत अच्छा फैसला किया है गवर्नमेंट ने। जैसे हमें होता था पहले इंग्लिश में ही कंटेंट मिलता था, जैसे ई लर्निंग के लिए हमें इंग्लिश में ही कंटेंट मिलता था या मैक्स टू मैक्स हिंदी में मिल जाता था, लेकिन आप अदर स्टेट से हो, जैसे आप महाराष्ट्र से हो या तमिलनाडु से हो, आपको उतनी अच्छी इंग्लिश या हिंदी में नहीं जमता है, तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी में ई लर्निंग ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप उससे अच्छे से नॉलेज ग्रैप कर सको। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट प्रोग्राम। ये भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, जैसे आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हो और आपको किसी इशू की वजह से, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या तो किसी भी रीज़न के वजह से आपको अपना एजुकेशन ड्रॉप करना पड़ता है, आप टू थ्री ईयर ड्रॉप कर देते हो, और उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करना पड़ता था, लेकिन ये पॉलिसी अप्लाई होने के बाद आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद 2 ईयर या 3 ईयर का जितने भी ईयर का पॉज लेते हो, उसके बाद आप रिटर्न आते हो, तो आपको सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ जाती है दोस्तों आपके लिए। और जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हो, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इतने क्रेडिट्स मिलेंगे, क्रेडिट्स के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पता चलेगा कि आप फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप सेकंड ईयर करते हो तो उसमें भी अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा, हायर ग्रेड्स वाला। अगर आप थर्ड ईयर करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है, और फिर फोर्थ ईयर तो फाइनल ईयर ही हो जाता है। सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा मिल जाता है कि आपने इस चीज़ में डिप्लोमा कर चुके हो। एक और आ जाती है हमारी कि आप पर्टिकुलर स्ट्रीम में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख सकते हो। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में आपको म्यूजिक पसंद है या डांसिंग पसंद है या सिंगिंग पसंद है, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी ऐड हो जाती है, आप उस बारे में पढ़ सकते हो साथ में, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में हो या आर्ट स्ट्रीम में हो या कॉमर्स स्ट्रीम में हो, ये कोई भी आपके लिए रोक टोक नहीं रहेंगे, आपको जो पढ़ना है जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। इस बार की गाइडलाइंस काफ़ी अच्छी की गई है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। मोस्टली 30 to 35 ईयर्स बाद ये चेंजेस हुए हैं, थैंक्स टू गवर्नमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।